अच्छा छह नहीं, ये आपने देखी है राजमिस्त्रियों को काम करते हुए किसी भवन के निर्माण में, आपने देखा होगा चिनाई होने के बाद जब हम पाइप को छुपाते हैं प्लास्टर के अंदर तो एक झिर्री बनाते हैं, झिर्री बनाते हुए आपने देखा होगा छेनी का प्रयोग किया जाता है। छेनी का प्रयोग हथौड़े के साथ भी हो सकता है और हाथ से भी हो सकता है, क्योंकि लकड़ी में भी आपने देखा होगा, लकड़ी में आपको ये छेनी कुछ इस तरह से दिखाई देती होगी लकड़ी वाले उसमें। करेक्ट, यहाँ पर एक लकड़ी का हैंडल लगा होगा ऐसा, इस तरह की, और ये चौड़ी भी हो सकती है। अगर ये चौड़ी होगी तब हम इसको फ्लैट कहेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। ये क्या करेगी, सरफेस को, सतह को समतल करेगी, समतल करने के लिए ये है। और कभी कभी हम छेनी जैसी चीज़ को रंधे में लगा देते हैं, वो भी तो छेनी है, जिसको हम प्लेन कहते हैं इंग्लिश में, रंधा मारना, ये वो भी तो छील रही है ना, वो सरफेस को आपको प्लेन करेगी। और कभी कभी इसको ऐसा भी होता है, ये तो थोड़ा चौड़ा होगा, ये वाली विड्थ ज़्यादा होगी, विड्थ कम होती है, तो झिर्री काटने के लिए लकड़ियों में भी आपने देखा होगा, समझ आ रही है। इसको हम आज जो पढ़ेंगे उसको हम क्रॉस कट चिसल कहने वाले हैं। लेकिन आपको ये पता है ना छेनी का प्रयोग कहाँ होता है, जब हम हाथों से किसी जॉब का निर्माण कर रहे हैं, वो भी जॉब ऐसा जो धातु का बना हुआ है। अभी तक हमने किसकी बात करी, ईंट की, हमने बात करी लकड़ी की, ये तो सॉफ्ट मटेरियल हैं, धातु तो छोड़ो, धातु तो है ही नहीं, ये मटेरियल हैं लेकिन वो भी सॉफ्ट वाले हैं। तो इनको तो हमने देखा है बहुत लोगों को इस्तेमाल करते हुए, पर हम तो धातुओं में काम करेंगे ना, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, हम लोग धातुओं में काम करेंगे। तो धातुओं को छेनी से छीला जा सकता है, काटा जा सकता है, इसके उपयोग हैं लेकिन लिमिटेड हैं। अब मैं बता रहा हूँ इसके उपयोग आपने अगर देखे होंगे तो कहाँ देखे होंगे। सबसे पहले इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, चिसल। और जब हम चिसल से प्रयोग करके किसी ऑपरेशन को करते हैं उसको चिसलिंग कहते हैं, है ना, डबल एल आई के साथ डबल एल आई एन जी, चिसलिंग, ठीक है। छेनी के द्वारा प्रयोग करके किसी को आकार देना, किसी धातु को आकार देना, ठीक है। तो सबसे पहले इसके यूजेस समझ लो, आपने कहाँ देखे होंगे। रिविट के हेड को अगर आपको काटना हो, रिविट जानते हैं आप, जिसके दोनों तरफ सिर बने होते हैं, अब आपको दोनों पार्ट को अलग करना है तो रिविट को हटाना पड़ेगा, वो तो दोनों सिर दोनों तरफ से, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, यहाँ पर होल करके हमने रिविट लगा रखी है। पुलों में आप लोहे के पुलों में आपने देखा होगा ये रिविट बहुत लगी रहती है, अभी वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पर हम छेनी रखकर पीछे से हथौड़ी को मारकर इसके सिर को रिमूव कर देते हैं, तब ये नीचे से निकल जाती है। तो रिविट के सिर को जब काटना होता है ताकि हम डिसमेंटल कर सकें, तब हमारी छेनी काम आती है। कभी कभी नट हमारा फंस गया, खुल नहीं रहा, उसको खोलने के लिए, नट को स्प्लिट करने के लिए, कभी कभी नट हमारा फंस जाता है। जैसे ये नट है ना, मान लीजिए ये आपका हेक्सागनल कोई नट है और ये फंस गया, तो यहाँ पर छेनी रखकर हम इसको पूरी लेंथ में काट देते हैं, फिर इसको ये खुल जाता है, थोड़ा फैल के खुल जाता है, फिर आराम से निकल जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा, ओके। एक जो पुनीत ने बताया बहुत अच्छा है, वो स्मॉल राउंड, स्मॉल डायमीटर राउंड, ये आपने बहुत देखा होगा। आप सरिया खरीदने जाते हैं, उनके पास नीचे एक इस तरह की डाई सी होती है, उसमें वो सरिया रख देते हैं ऐसे, यहाँ पर ऊपर छेनी रख के और घन से मारते हैं तो सरिया अलग हो जाता है, सरिये को काटने के लिए। ये बात समझ में आ रही है बेटा। और इसके अलावा इसका उपयोग आपने देखा होगा थिन शीट्स, थिन शीट्स की कटिंग के लिए, जैसे बहुत पतली गेज की कोई चादरें हैं, उनको हम छेनी से किसी शेप में किसी प्रोफाइल में काट पाते हैं। बात समझ में आ रही है, जो पतली शीट का काम करते हैं शीट मेटल वर्कर, उसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे बाल्टी वाल्टी का आपको ब्लैंक काटना है तो उसको छेनी से काट के और फिर उसको घुमा के शेप दी जा सकती है। एक और इसका पॉपुलर यूज है कास्टिंग एक्सेस मटेरियल रिमूविंग। कास्टिंग मतलब ढलाई, हम सांचों में जहाँ से डालते हैं वो पिघला हुआ, तो पूरा सांचों में भरने के बाद हमें दिखता तो है नहीं वो भर गया नहीं भर गया, तो ऊपर एक रनर आता है, मतलब कास्टिंग का वो पिघला हुआ रनर में से जब राइज हो जाता है तो समझ में आ जाता है अंदर पूरा भर गया होगा, तभी तो समझ में आएगा। तो जब वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो वो भी तो उसके साथ जुड़ा रहेगा ना, एक जुड़ी रहती है, एक एक्सेस मटेरियल कह लो उसको, तो फिर छेनी से उसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके पॉपुलर यूज़ हैं जब हम धातुओं में छेनी को प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, फिर भी आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि जब धातुओं की सरफेस को छीलना हो, जब उसमें स्लॉट बनाना हो, तो हम छेनी का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर ये अब नहीं होता, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हो कि किसी लोहे में आप झिर्री बना दोगे छेनी से, लकड़ी थोड़ा ही है वो, पर फिर क्यों समझाया जा रहा है, ये छेनी ही बाद में जाके आपकी शेपर मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल बना। शेपर मशीन से हम वो काटते हैं ना, चाबी घाट काटते हैं, स्लॉटर मशीन पे काटते हैं, प्लेनर होता है जो सरफेस को प्लेन कर देता है, इवन आपकी लेथ मशीन का जो टूल है वो भी तो वही काम कर रहा है,
मतलब छैनी की तरह हम मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, आरी की तरह नहीं कर रहे हैं उसमें, छैनी की तरह कर रहे हैं, है ना। तो ये उसका बेस बनता है, इसलिए आपको इसके प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी हो जाता है। इसमें बहुत सारे एंगल होंगे, हमारे कटिंग टूल में भी बहुत सारे एंगल होते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यही से तो निकलेगा। तो जो प्रारंभिक चीज़ है उसको समझना जरूरी हो जाता है। इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी हैंड टूल्स हैं अगर वो दूसरे को काट रहे हैं, निशान मार रहे हैं, तो वो हाई कार्बन स्टील के बनेंगे। तो ये भी हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील इसको लिखा होगा, लो एलॉय स्टील कभी कभी लिखा होगा, हार्डेंड स्टील लिखा होगा, इस तरह की चीज़ें जहाँ भी लिखी हैं आप समझ लेना कि वो हाई कार्बन स्टील है। हाथ से प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ताकत तो हम उस पर लगा नहीं पाते, शारीरिक एक क्षमता होती है। तो बहुत ज़्यादा महंगा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महंगी चीज़ें भी टूट जाएंगी ना, टूट तो वो भी सकती हैं। तो हम सस्ती चीज़ों को रखना चाहते हैं कि काम हो जाए और सस्ते से सस्ते में हो जाए, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील, लेकिन कभी कभी हार्ड मटेरियल को भी काटना होता है, उस पर निशान ही नहीं मार पा रही है हमारी हाई कार्बन स्टील, वो इतना हार्ड है जो जिस धातु को हमें काटना है, ऐसा भी तो हो सकता है। तब हम उसको एलॉय स्टील का बनाते हैं जिसमें एलॉयिंग होती है। एलॉय स्टील मतलब उस छेनी को बनाने के लिए पहले ही हमने उस धातु में किसी और धातु का मिश्रण कर रखा है, जिसमें जिसकी वजह से इसमें हार्डनेस के गुण आ रहे हैं। समझ में आ रही है बेटा थोड़ी थोड़ी भाई? वो एलॉय होता है क्रोमियम का और वेनेडियम का। आमतौर पर इन दो मटेरियल की एलॉयिंग के साथ हम लोग छेनियों को बनाते हैं। ये है वो छेनी जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका ये जो टिप होता है, कटिंग टिप इसको जिसको कहेंगे हम, इस धातुओं का बनाने के बाद भी हम इसकी इस टिप को हार्ड भी करते हैं ऊष्मा उपचार से, सॉरी हार्ड एंड टेम्परिंग भी करते हैं। पहले हार्ड किया जाएगा। अब हार्ड करने से क्या होता है, कठोर तो बन जाता है लेकिन ब्रिटल बन जाता है, मतलब चटक बन जाता है। जब हम इसको हथौड़ी मारेंगे तो टूट नहीं जाएगा, टूट भाई इसकी टिप तो आगे से पतली होती जा रही है ना, उसकी ब्रिटलनेस थोड़ा सा कम करके और इसकी टफनेस, टफनेस मतलब ये घूम ना जाए, हथौड़ी की चोट में मुड़ ना जाए, उसके लिए फिर हम टेम्परिंग करते हैं। ऊष्मा उपचार टेम्परिंग टफनेस को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और उसके ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, हार्डनेस हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन हार्डनेस को बढ़ाते हुए ब्रिटलनेस भी बढ़ती है, उस ब्रिटलनेस को कम करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। तब सवाल ये आ सकता है कि क्या टेम्परिंग जब ब्रिटलनेस कम कर रही है तो हार्डनेस भी कम होती है क्या? यस होती है, होती है, पर थोड़ी हार्डनेस कम होती है, ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और टफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम टेम्परिंग भी करते हैं, ठीक है। yes, समझ में आ गई बेटा बात? आप जितने ये प्रोसेस करते चले जाओगे आपकी चिसल महंगी होती चली जाएगी। कोई शक इसमें? और चिसलिंग के ऑपरेशन के बाद जो सतह आपको मिलती है आमतौर पर वो बहुत रफ होती है, उसके बाद फाइलिंग से उसको स्मूथ किया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये भी समझ में आ गया होगा कि चिसलिंग आज की तारीख में कोई यूज़ नहीं करेगा। पहले चिसलते करो फिर उसमें फाइल घिसते फिरो, ठीक है ना। मशीन आसान भी कर देती है, जल्दी भी कर देती है, एक्यूरेट भी कर देती है और सतह भी आपकी साफ मिल जाती है। तो हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये चिसल मशीन के साथ लगा दें, पावर के साथ लगा दें, वही फिर आपकी शेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, प्लेनर मशीन, मिलिंग मशीन सब वही बन जाती है, बस टूल की शेप चेंज करते रहते हैं, थोड़ा सा चेंज इसमें और थोड़ा सा चेंज मशीन में, इसके पार्ट के नाम। अच्छा पहले तो ये देख लीजिए कि आमतौर पर जो चिसल होगी ना आपकी, कोल्ड चिसल, हम किसकी बात कर रहे हैं, चलो वो भी लिख देता हूँ, हम कोल्ड चिसल की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल इस लेक्चर में, हम सिर्फ कोल्ड चिसल की बात कर रहे हैं। चिसल दो प्रकार की होती है, कोल्ड चिसल जो ये है, हॉट चिसल ये है। ये लोहार इस्तेमाल करते हैं, उसको इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ कहते हैं, लोहार। जब गर्म अवस्था में हम किसी मटेरियल को छील रहे होंगे, काट रहे होंगे या उसमें होल कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, ठीक है ना, या उसमें झीरी डाल रहे होंगे, स्लॉट बना रहे होंगे, तब हम हॉट चिसल का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम फिटर की बात कर रहे हैं, इसमें जिस भी धातु पे को हम शेप दे रहे होंगे वो ठंडी अवस्था में होगा, तब हम कोल्ड चिसल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली बनाया जाता है क्योंकि गर्म होने के बाद लोहा नरम हो जाता है, उसमें कुछ शेप देना आसान हो जाता है, राइट। लेकिन ठंडी अवस्था में तो लोहा बहुत कठोर होता है ना, तो हमें ये वाली चिसल भी थोड़ी मजबूत बनानी पड़ती है। बात समझ में आ रही है बेटा? ऑलराइट। तो इसके पार्ट के नाम, ओह पार्ट्स नेम, पार्ट्स नेम, ये आम तौर पर जो चिसल है आपकी हेक्सागोनल होगी, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब छह पहल वाली आमतौर पर। क्यों? गोल होने से फिसल सकती है, भाई हथौड़ी लगेगी ना इसके ऊपर, गोल होने से फिसल सकती है, ग्रिप नहीं आती है, और चकोर होने से ग्रिप बहुत रिजिड होनी पड़ेगी, मतलब हमें तो इसको सिर्फ दो उंगली ऐसे पकड़ना पड़ता है बेटा, ऊपर से एक इंच नीचे ऐसे पकड़ना पड़ता है और उसके ऊपर हथौड़ी मारनी पड़ती है, और हम हथौड़ी को नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे, वरना आपका ये कट खराब हो सकता है।
तो वो एक्सपर्ट की थोड़ी सी जरूरत होती है, ठीक है। पर अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा ये करना नहीं पड़ेगा। तो हेक्सागोनल इसका हेड होता है और इस तरीके की आपकी ये छेनी होती है, दिखाई दे रही है आपको, ऐसी बन गई ना कुछ। अच्छा, कभी कभी इसके ऊपर यहां पर हल्का सा एक चैम्फर देकर इसको ऊपर से राउंड कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है। अगर देखता हूं कहीं मेरे पास है तो नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना इसका। इसको कहते हैं हेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर, इस पे हथौड़ी की चोट लगेगी, कोई दिक्कत है। इसको कहते हैं बॉडी, धड़, बॉडी इसको कहेंगे। इसको कहते हैं कटिंग एज, कटिंग एज, या इसको पॉइंट भी कहते हैं। क्यों? अगर एक एज है जो काट रही है तो वो कटिंग एज हुई, और अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, वो पूरी एज नहीं मिली, ये डायमंड टिप चिसल है, इसको बताऊंगा अभी, इसमें एज नहीं मिलती, एक पॉइंट मिलता है। तो जो चीज़ आपकी धातु को काट रही होगी, शेप दे रही होगी, छील रही होगी, उसको या तो हम कटिंग एज कहेंगे या हम उसको कटिंग पॉइंट कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? डिपेंड करता है कौन सी, मतलब उसकी क्या शेप है बाल में। तो बस ये समझ में आ रही है बेटा आपको शेप? बस इतना ही है, इसके पार्ट के नाम तीन ही हैं और बहुत सिंपल हैं भाई। सिर को सिरी कहेंगे, बॉडी को बॉडी कहेंगे, इसको कटिंग एज कहेंगे, ज़्यादा किसी किताब में इसको टिप लिखा होगा। टिप इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ इसी हिस्से को हार्ड और टेम्पर करना पड़ता है, पूरे को नहीं करेंगे ना भाई। हम इसी हिस्से को तो मजबूत, टफनेस यहाँ बढ़ाना चाहेंगे और इसको हार्डनेस यहाँ बढ़ाना चाहेंगे, ये थोड़ा ही हिस्सा काट रहा है, समझ में आ रही बेटा। तो हम टिप को, इस इतनी चीज़ को ऊष्मा उपचार करते हैं, तो इसलिए ये टिप भी नाम कभी कभी किताबों में दे दिया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही। ऑल राइट, अब सीधा चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में। डायग्राम है, डायग्राम को बनाने से बचूंगा, यहाँ पर फोटोग्राफ डाल दूंगा और आप लोगों को दिखाता रहूँगा, ठीक है। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ पहले, फ्लैट, क्रॉस कट, डायमंड टिप, हाफ राउंड, वेब, इन सब के आगे चिसल लग रहा होगा भैया, ठीक है, चिसल लगाते रहना। इतने प्रकार की चिसल आपके कोर्स में है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा और चिसल नहीं होती। जैसे एक चिसल का नाम तो मुझे अभी भी याद आ रहा है, काओ माउथ, होती है हाफ राउंड जैसी ही है, थोड़ा इसका एज थोड़ी बड़ी होती है बस, मतलब लेकिन अलग अलग शेप को जिसने वो शेप बना दी भाई, किसी व्यक्ति को कोई खास तरीके की चिसल की शेप की आवश्यकता पड़ी, उसने वो बनवा ली, तो उसका नाम उसने कुछ रख दिया, फिर और लोगों को जरूरत पड़ी, उन्होंने भी उसकी डिज़ाइन को देख के बनवाना शुरू कर दिया, ऐसे। मैं इसकी फिगर बनाने से बचूंगा क्योंकि उससे बहुत लंबा हो जाता है लेक्चर। ये है आपकी फ्लैट चिसल, दिखाई दे रही है बेटा फ्लैट चिसल, इसकी इसका काम क्या हो सकता है? इसका काम हो सकता है सरफेस को प्लेन करना, मतलब कोई उबड़ खाबड़ सरफेस है या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है, आपको सरफेस पे से हटाना है उसको। ये दिखाई दे रही है आपको, ये ऐसे चलेगी सरफेस के ऊपर, ऐसे चलेगी उसको, ऐसे चलेगी पीछे से, ठीक। फ्लैट, इसको क्यों कहा फ्लैट? क्योंकि इसको एक वर्किंग एज, फ्लैट वर्किंग एज आपको मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। इस जैसी ही एक और होती है, उसको हम कहते हैं क्रॉस कट। क्रॉस कट चिसल जो है वो आपके चाबी घाट में यूज होती है। आमतौर पर ये चाबी घाट इतने बड़े नहीं होते कि उसमें फ्लैट चिसल का प्रयोग हो सके, तब हम क्रॉस कट चिसल, क्योंकि ये इसका जो फल है ना काटने वाला, वो थोड़ा नेड़ा कर रखा है हमने। इसकी वीट और इसकी वीट में समझ में आ रही है बस। अब चाबी घाट इतना बड़ा तो नहीं हम बनाते होंगे ना, हम तो चाबी घाट छोटे छोटे बनाते हैं, तो ये वाली फिर चिसल ज़्यादा काम करती है, ठीक है। चाबी घाट कहते हैं उसको, कीवे, जिसमें चाबी फंसती है और किसी शाफ्ट के साथ हम कोई गियर व्हील वगैरह घुमाते हैं, उसमें लगी रहती है ना एक चकोर, तो वो एक जगह भी तो होती है ना, उसका स्लॉट होता है, उसको हम कीवे कहते हैं। चकोर, ग्रूव हो, झिर्री हो, स्लॉट्स हो या कीवे हो, उसको काटने में ये मददगार होती है। अगली क्या है? डायमंड टिप। ये है आपकी डायमंड टिप, मैं इसको इसमें दिखा देता हूँ, कैसे दिखाऊँ, हाँ, ये वाला जो एज है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका डायमंड टिप है। इसकी जो पूरी फेस है उसको ऐसे काट रखा है कि एक पॉइंट आपको मिल रहा है। ये क्या काम करता है? इस किनारे को
शार्प करता हुआ चलता है। समझो आ गई बात, इस है बेटा। हाँ, पेंसिल तो चारों तरफ से आगे एक पॉइंट बनाती है। ये चकोर है, इसका टिप जो है वो चकोर है, ऊपर से हेक्सागनल है, फिर नीचे से टिप जो है वो चकोर है, और चकोर टिप को भी हमने एक पॉइंट पे लाके एक पॉइंट ज़्यादा ऊंचा उठा रखा है उसका। मतलब ये देखने में आपको, अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ, इस तरीके से लगेगी। समझ आ रही है बेटा? ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट आपके किसी भी कॉर्नर को 90 डिग्री पे, मतलब उसको शुद्ध कर देगा। उसको अगर कोई बावरी फंसी हुई है, कोई मटेरियल, मतलब पूरी नहीं हो सकता ना, कि हो सकता है राउंड आ गया हो, उसको कॉर्नर को आपको चकोर करना है, स्क्वायर करना है, तब आपको इस चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। अगली चीज़ है हाफ राउंड। ये है आपकी हाफ राउंड, है बिल्कुल वैसी ही, बस इसमें वो टिप ना होके एक राउंड शेप की है। मतलब वो तो यहाँ से चकोर शेप में नीचे उतर रहा था, ये गोल शेप में नीचे उतर रहा है, ये पेंसिल की तरह ये है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। बस पेंसिल के सिक्के को भी हमने ऐसे बेवल कर रखा है ताकि हमें एक ये हिस्सा मिल जाए राउंड वाला। इसका क्या प्रयोग है? इसका प्रयोग है ऑयल ग्रूव को काटना। ये तो सब किताबों में लिखा है, पर आपको पता है ऑयल ग्रूव क्या होता है? फिर कहे सीख रहे हो? अरे ऑयल ग्रूव क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। किताबों में लिखा है ऑयल ग्रूव, और किसे पूछोगे ये हाफ राउंड चिसल कहाँ काम आती है? अरे वो तो ऑयल ग्रूव को काटने काम आती है। क्या होता है ऑयल ग्रूव, ये भी तो समझना पड़ेगा ना बेटा। ओके, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ध्यान दिया करो जब चीज़ों को देखते हो, अपने अनुभवों को अपने साथ लेके चला करो, ठीक है? आपने देखा होगा बहुत बार एक शाफ्ट है, घूम रही है, उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए जरूरी नहीं है हर बार हम बैरिंग लगा सकें। कभी कभी हम यहाँ पर बुश लगाते हैं, पीतल का बुश लगे हुए देखा होगा आपने, लगे देखा होगा। इस बुश के ऊपर हाउसिंग में यहाँ पर कहीं आपने एक ऑयल कप लगा देखा होगा, ऑयल कप ऊपर एक ऑयल कप, उसका ढक्कन खोलो और उसमें ऑयल या ग्रीस डालो तो वो ग्रीस इस जगह तक पहुंच जाती है जहां शाफ्ट घूम रही है, हैं? हाँ, घास काटने वाली मशीन पे देखा होगा ना आपने, उसमें ऑयल डालने की एक जगह होती है, नहीं होती है, उसी की बात कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शाफ्ट तो बहुत अंदर तक है ना, हमें सिर्फ इसके नीचे नीचे थोड़ी ऑयल डालना है, हमें तो वो फैलाना है, और कोई तरीका नहीं हमारे पास। तो इस बुश के अंदर अंदर वाली साइड में हम ऐसा एक स्पाइरल, एक झिल्ली बना देते हैं, मतलब वो ऑयल उसके अंदर होते होते पूरी शाफ्ट तक पहुंच जाता है, मतलब जहां तक वो बुश जितना वो लंबा है। तो जब शाफ्ट घूमती है अपने साथ वो ऑयल की एक परत वहां से लेके और चिकनाहट रखती है ताकि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कम हो सके। कोई दिक्कत है इसको समझने में? ये ऑयल ग्रूव क्योंकि कर्व्ड है तो बाकी किसी और से नहीं बन सकता, ये हम इसको हाफ राउंड उससे बनाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात बेटा? तो जब भी हम धातुओं में कोई ऑयल ग्रूव काटते हैं तो हम हाफ राउंड इस वाली चिसल का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें ये वाला जो एज है आपका वो हाफ राउंड दिखाई दे रहा है। ये सारी आप देख भी लेना, और अगर हो सके, अगर आप कर पाओ तो इसके प्रैक्टिकल करके देख लेना, लकड़ी पे करके देख लेना, लकड़ी पे करके देख लेना, इनको लकड़ी पे यूज कर लेना, ठीक है? अगली चीज है वेब चिसल। के ऊपर यहाँ पर वो पूरी चिसल की बॉडी आ रही होगी और ऊपर चिसल का हेड आ रहा होगा, नीचे से इसका फल कुछ ऐसा होगा। अब सोचो ये कैसे इस्तेमाल, उसमें लिखा होगा किताबों में चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को हटाने के लिए हम वेब चिसल का प्रयोग करते हैं। क्या है चेन ड्रिलिंग, क्यों करते हैं, मटेरियल क्यों उसके बाद ही हटाया जाता है, ये दिक्कत आएगी नहीं आएगी? ऑलराइट, इसको भी समझ लो। मान लीजिए कोई ऐसी प्लेट है, उसके बीच में आपको एक खिड़की काटनी है, ये हटाना। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, आरी वारी से भी काट सकते हो ना, लेकिन और भी तो तरीके हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है एक ही तरीके। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रिल से होल करते हैं, फिर एक यहाँ बराबर में कर दिया, एक यहाँ बराबर में कर दिया, एक यहाँ बराबर में कर दिया, ऐसे होल करते हुए चलते हैं। इसको कहते हैं चेन ड्रिलिंग। चेन मतलब चेन, जो मोटरसाइकिल की चेन होती है एक के बाद एक लिंक के तौर पर, चेन ड्रिलिंग मतलब एक होल ये है, एक ही होल ये है, मैंने तो पास पास बना दी ऐसे। अब इसके ऊपर रखी जाएगी वो चिसल और उस पर ठोक दिया जाएगा, तो क्या करेगा वो, यहां पर रखी गई है वो चीज़ें, समझ में आ गई? ऐसे ही तो ये वाला मटेरियल भी काट देगा, ये वाला मटेरियल भी काट देगा, और ये स्लॉट आपका पूरा ऐसा दिखाई दे जाएगा आपको, ऐसा ये खोखला हो गया, ठीक है? अब इसके बराबर में एक और चेक वो था आपका होल, अब उस चीसल को यहां रखा जाएगा फिर ठोक दिया जाएगा, तो अब ये स्लॉट इतना लंबा हो गया, तो ये पूरी खिड़की ऐसे कट जाती है, मतलब अंदर वाला तो कट ही जाएगा, तो आपके पास ये पूरी सतह आ जाती है। और एक और बता रहा हूँ, इस सतह में आपको ये सतह कुछ आपको ऐसी मिलती है, ऐसी मिलती है, फिर ये जो मतलब ये वाला हिस्सा रह जाता है इसका, दो होल के बीच का जो ये हिस्सा है ना वो रह जाता है, उसको आप छेनी मतलब छेनी से कर दो या फाइलिंग से कर दो, तब तो बहुत जगह मिल गई ना आपको, फाइलिंग चला दो, आरी चला दो, जो मर्जी चला दो, तो तब हम वेब चिसल का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई भाई चेन ड्रिलिंग क्या हो गई? आसान था ना,
लेकिन अगर आप इसको सिर्फ किताबों में पढ़ोगे तो फिर रटना पड़ जाएगा। सिंपल yes, अब जब एक का नाम लिख ही दिया था वो काउ माउथ, फिर बता देता हूँ उसको ही बता दूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान देने में क्या दिक्कत है। उसकी शेप ऐसी होती है काउ माउथ की। हाँ अरे यार गाय का मुंह नहीं देखा, अब मैं तुम्हें गाय भी बना के दिखाऊं क्या? ऐसी नहीं होती क्या हमारी गाय? अरे मैं इस वाले मुंह की बात कर रहा हूँ यार, जिस पे वो लिपस्टिक लगाती है। ऑलराइट तो ओ काउ माउथ इसकी शेप है, जैसे वेब उसकी शेप है, जैसे हाफ राउंड उसकी शेप है, जैसे डायमंड टिप उसकी शेप है, फ्लैट उसकी शेप है, क्रॉस कट उसकी शेप है, ऐसे ही काउ माउथ भी उसकी शेप है। हाँ ये काउ माउथ चित्र जो है, जब भी आपको किसी थिन शीट को कर्व में काटना होगा ना, जरूरी थोड़ी सीधा सीधा ही काटना हो, कर्व में भी तो काटना हो सकता है, तो फ्लैट चित्र देखोगे वो तो एक सीधी लाइन में काटेगी, तो फिर आपका कर्व तो नहीं बनेगा ना, आपको तो कर्व ऐसे काटना है मान लीजिए। पर यहाँ पर अगर आपने स्ट्रेट चिसल रखी वो तो सीधा काटेगी ना, कर्व तो नहीं काटेगी, ये काट देगी, मतलब ये सिर्फ इतना सा हिस्सा ही काटती है ना, फिर अगले वाले में थोड़ा सा घुमा के लगा दो, अगले वाले में घुमा के लगा दो, जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल घूम रही है, जहाँ निशान लग रहा है, मार्किंग लग रही है, उस पर काट सकते हो ना आप लोग, समझो आगे बेटा बात। ओके अब यहाँ पर क्योंकि मैंने काउ माउथ आपको ये बता ही दिया, तो एक बात और बतानी जरूरी है जो एग्जाम में बहुत आती है। चिसलिंग में एक शब्द है और ये बहुत सारे टूल्स में मिलेगा आपको, ये शब्द क्राउनिंग। क्राउनिंग इसका नाम क्राउनिंग क्यों पड़ा? क्राउन जानते हो क्यों कहते हैं? क्राउन कहते हैं मुकुट को, मुकुट, ठीक है ना। जब भी आप किसी भी क्राउन को बनाएंगे तो ऐसा ही तो बनाते हैं आप उसको, ये जो शेप है ना इसको हम कहते हैं क्राउन, इसीलिए उसको क्राउनिंग कहते हैं। जब भी ये आपको शब्द मिले तो इसी शेप का जिक्र हो रहा होगा, क्राउनिंग का मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई शेप आपको मिल रहा होगा, ठीक है। हमेशा आपके चिसल के एज पर, चाहे वो आपको दिखाई दे या ना दे, महसूस हो या ना हो, यहाँ पर क्राउनिंग की जाती है, मतलब इसके टिप थोड़े डाउन रखे जाते हैं और बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा अप रखा जाता है, हालांकि वो बहुत माइक्रोन में होता है। ये क्यों किया जाता है? ताकि इसके ये जो शार्प किनारे हैं ये आपके मटेरियल को डैमेज ना कर दे। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपका चोट हमेशा सीधा ही लगे, एक तरफ भी तो लग सकता है ना, तो ये गड़ जाएगा ना उसके अंदर, पॉइंटेड जो टिप है वो गड़ जाएगी ना मटेरियल के अंदर, आपके धातु के अंदर गड़ जाएगी ये, तो उसमें गड्ढा कर देगी ना भाई, ठीक है ना। और सबसे पहले तो यही टूटेगी, तो क्योंकि सबसे कमज़ोर कड़ी तो यही है ना, अगर टूटेगी तो सबसे पहले ये टूटेगी ना, इसलिए इसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं ताकि पहला इम्पैक्ट जो है वो बीच में आ जाए और इस तक ना आए, तो हमारा जॉब भी सेफ रहता है और हमारी चिसल भी सेफ रहती है। क्राउनिंग इसलिए की जाती है ताकि जो टिप है, पॉइंट है, एज का जो पॉइंट है, किनारे हैं, वो मटेरियल को या जॉब को ख़राब ना कर दें और चिसल का जो एज है, कटिंग एज, वो टूट ना जाए। सिंपल। अब दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गए, पहला छोटा सा स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का जरूर ध्यान रखा करें बेटा, क्योंकि किसी भी औजार को हम या किसी भी मटेरियल को हम लेने जाएंगे, बताना तो पड़ेगा हम लेने क्या आए हैं। भाई आपको प्लेट चाहिए या पाइप चाहिए, आप जाके खड़े हो गए साहब पाइप दे दो, अरे प्लास्टिक का, लोहे का, कॉपर का, कैसा? अजी प्लास्टिक का। भाई तिकोना, चकोर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, किस शेप का? चलो जी ये दे दो। दो फिट का, पाँच फिट का, दस फिट का, कैसा? भाई पाँच फिट का दे दो। मोटाई कितनी होनी चाहिए उसकी, मटेरियल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? इतनी दे दो, 2 mm की दे दो। लाल चाहिए, सफ़ेद चाहिए, पीला चाहिए, नीला चाहिए? अरे कुछ तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो आप अपनी मनपसंद चीज़ लोगे या नहीं लोगे। स्पेसिफिकेशन हर चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन चिसल की क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए जब आप मार्केट में लेने जाए इसको, इसकी लेंथ, ये 2 inch की भी आ सकती है, 3 inch की, वैसे 2 inch की तो नहीं आएगी क्योंकि आपको हाथ से पकड़ना पड़ता है ना, तो 2 inch तो बहुत छोटा हो जाएगा, पकड़ेंगे कहाँ, चोट का मारेंगे, हाथ पे चोट लग जाएगी। 4 inch, 6 inch बहुत आसानी से मिल जाती है, लकड़ी वाली जो है क्योंकि उसमें ज़्यादा जोड़ नहीं लगाना पड़ता, 8 inch लंबे हैंडल के साथ होती है, और वो हैंडल की नहीं आती ना उसमें लंबाई, हम चिसल की इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 inch, 6 inch, 8 inch ये मिल जाएंगी, बड़े आराम से मिल जाएंगी, पर बहुत लंबी चिसल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितनी लंबी होती चली जाती है चीज़ें उसमें टफनेस नहीं रहती, बेंड हो सकती है, चटक के इधर उधर हथौड़ी और चिसल निकल सकती है, किसी को लग सकती है, बात समझ में आ रही है बेटा? ऑल राइट, तो लेंथ पे इसका स्पेसिफिकेशन है, दूसरा है इसकी विड्थ का। फ्लैट चिसल भी हो या क्रॉस कट चिसल भी हो, भाई आपको कितनी विड्थ की चाहिए? आपको ज़्यादा विड्थ की चाहिए, ज़्यादा विड्थ की मिल जाएगी, कम विड्थ की चाहिए, कम विड्थ की मिल जाएगी, यानी कि आप ऐसा समझें 8 mm से लेके और
50 mm तक आम मार्केट में अवेलेबल रहती है। लकड़ी वकड़ी वालों के पास 52 इंच की आराम से मिल जाती है आपको। और इसका आपको आकार क्रॉस सेक्शन आमतौर पर हेक्सागोनल होता है, लेकिन 8 पहल का भी हो सकता है, ठीक है। कोल्ड चिसल में तो इतना ही है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ऐसे जाके खड़े हो जाए तो ये भी बताना पड़ेगा हॉट चिसल चाहिए आपको या कोल्ड चिसल चाहिए, मतलब आपको गर्म करके लोहे पे तब काम करना है या ठंडी अवस्था में काम करना है, ठीक है। तो मटेरियल अलग हो जाते हैं। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कोल्ड चिसल बता रहा हूँ, जो हाई कार्बन स्टील की बनेगी या वेनेडियम क्रोम स्टील की बनेगी, उसको भी बाद में हार्डन किया जाएगा, टेम्पर किया जाएगा, कोई शक किसी को। अब आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आखिरी चीज़ को जो समझने में थोड़ा सा मज़ेदार हो उसको आखिरी में रखता हूँ हमेशा, ये है इसके एंगल्स। एंगल्स की बात करते हैं भैया, ये है इसका मेन एंगल, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल या चिसल का एंगल, ये वाला जो एंगल जो बन रहा है यहाँ, बात समझ में आ रही है। अभी आपको ये कितने डिग्री का दिख रहा होगा, 25 डिग्री के करीब का दिख रहा होगा ना, क्योंकि ये जितनी भी ITI में चिसल हैं ये मान के हम खरीदते हैं या ITI के मैन्युफैक्चर ये बताते ये सोच के देते होंगे लोहा तो नहीं काट रहे होंगे ना वो। भाई लोहा काटना तो बहुत एक्सपर्ट लोगों का काम है, हम तो सिखा रहे हैं तुम्हें, लकड़ी प्लास्टिक सॉफ्ट मटेरियल में हम इसका प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे, तो इसलिए ये आपको कम दिखाई दे रहा है। इसका ये एंगल 30 डिग्री से 60-65 डिग्री तक हो सकता है, ओके ऐसे मान के चलना। और इसकी चार्ट मैं डाल दूंगा, उसकी चार्ट डाल दूंगा इसमें वीडियो में, क्योंकि हर चीज़ को लिखना, जो सॉफ्ट मटेरियल हैं जैसे ब्रास एल्यूमिनियम उनके लिए आप कटिंग एंगल छोटा रख सकते हैं, और जो हार्ड मटेरियल हैं लोहा मतलब आपका फेरस या कोई हार्ड एंड कोई स्टील है, हार्ड एंड कोई भी आपका मटेरियल है उसमें आप हार्ड मटेरियल के लिए उसका कटिंग एंगल ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, कौन से मटेरियल को काटने के लिए क्या टिप एंगल होना चाहिए उसकी मैं एक चार्ट इसमें डाल दूंगा, आप देख लेना बाद में उसको, मुझे नहीं लगता कि याद करने की ज़रूरत है। आपको क्या समझने की ज़रूरत है कि अगर सॉफ्ट मटेरियल पर काम करना है तो इसका ये पॉइंट एंगल छोटा हो सकता है, तब छोटा रखो, और अगर हार्ड मटेरियल काटना है आपको तो उसका ज़्यादा रखो। आप इतनी पतली सी किसी चीज़ से लोहे को काटना चाहोगे कि टूट नहीं जाएगा, ख़राब नहीं हो जाएगा, तब वो थोड़ा सा ऐसे चौड़ा होना चाहिए यहाँ से, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ताकि उसको इम्पैक्ट को सहन कर सके। इसकी ये एज ख़राब होती होएगी, घिसेगी भी, उसे बार बार धार लगानी पड़ेगी, ग्राइंड करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है जी। ऑल राइट गुड। तो एक एंगल तो हमने समझा जिसको हम कहेंगे चिसल एंगल, इससे आगे चलते हैं, इसमें और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जो आपके लिए महत्व रखते हैं, आपको समझना उनके लिए ज़रूरी है। मान लीजिए ये आपका मटेरियल है जिसको आप चिसलिंग कर रहे हैं, मतलब आपकी चिसल ये लगी हुई है यहाँ ऐसे, कोई शक है किसी को, समझ में आ रही है मेरी बात। इस एंगल को हम समझ गए, ये एंगल क्या है आपका, चिसल का एंगल या कटिंग पॉइंट एंगल, बात समझ में आ रही है, ये एंगल समझ गए ना। अब एक एंगल ये है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं इसको, मटेरियल को काटते हुए ये चिसल आपने किस डिग्री पे झुका रखी है, ये वाला जो एंगल है ना, ये जो बन रहा है ये है इसकी झुकाव का एंगल, मतलब ये आपका सरफेस है, दिखाओ मेरी हथौड़ी ओके ये आपका सरफेस है भाई, इस सरफेस को अगर आपको छीलना है तो आप इसको ऐसे थोड़ी छीलोगे, थोड़ा सा झुका के तो छीलोगे ना, तो ये किस डिग्री पे झुका हुआ है उसको हम कहेंगे झुकाव का एंगल, इंग्लिश में उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। अब सोचो अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हुआ तो आपकी छेनी फिसल जाएगी, काटेगी नहीं, कम काटेगी और ऊपर ऊपर फिसल जाएगी, समझ में आ रही है नहीं आ रही बात। अगर ये ज्यादा हुआ तो आगे नहीं चलेगी, अंदर गड़ जाएगी, आपके मटेरियल में गड़ जाएगी, हमें तो इसको सिर्फ इतना छीलना था, लेकिन अगर आप इसको खड़ा कर दोगे तो ये और अंदर डीप चली जाएगी आपकी चिसल, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बस इतना सा है। करेक्ट एंगल अलग अलग धातु का अलग अलग होता है, वो जब आप काटेंगे तो आपको समझ में आएगा, तभी तो मैं कह रहा था कि चिसलिंग का काम करते हुए हथौड़ी कहाँ लग रही है उस पर ध्यान मत दो, चिसलिंग कहाँ हो रही है वहाँ ध्यान देना होता है। ऑलराइट तो अब इसके बाकी एंगल्स की बात कर लें, ये वाला जो एंगल है इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, पहला एंगल तो ये समझा आपने, दूसरा एंगल है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ये बात समझ में आ गई बेटा। ये हुआ आपका कटिंग एंगल, ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको मैं बी लिख देता हूँ, इसको भी यहाँ पर बी लिख देता हूँ, ऑलराइट इसको ए लिख देता हूँ, ये आपका ए हो गया। अब इस एंगल की बात करो, ये वाला जो एंगल है,
इसको मैं सी लिख देता हूं, इसको कहते हैं रैक एंगल। क्या कहते हैं भाई इसको? रैक, आर ए के ई, रैक एंगल। अब सवाल ऐसा आ सकता है कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा हुआ तो रैक एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा हुआ तो रैक एंगल कम होगा या ज्यादा होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर बढ़ेगा तो रैक एंगल ये छोटा हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? समझ में आ गई? पता नहीं मेरे मुंह से भी निकलवा दोगे कुछ। और ये एक एंगल ये होता है ये नीचे वाला, इसको कहते हैं क्लियरेंस एंगल। इसको डी लिख देता हूं यहां, डी क्लियरेंस एंगल। मतलब आपका जो धातु है उसकी सतह में और आपके चिसल के धातु के बीच में कितना एंगल बन गया है, इसको ही कहेंगे ना भाई क्लियरेंस एंगल। अब अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा तो क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा, रैक एंगल घट जाएगा। अगर ये घटा तो रैक एंगल बढ़ जाएगा, क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये घटा या क्लियरेंस एंगल घटा तो आपकी चिसल फिसल जाएगी, मटेरियल कम काटेगी, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट कम होगा। अगर ये इंक्लिनेशन का एंगल बढ़ा तो रैक एंगल घटा या क्लियरेंस एंगल बढ़ा तो आपके मटेरियल के अंदर घट जाएगी वो चिसल। बिल्कुल समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इस तरीके के सवाल आएंगे कि अगर क्लियरेंस एंगल बढ़ा तो क्या होगा, निम्न में से क्या होगा? अगर ये बढ़ा तो एक ऑप्शन लिखा होगा रैक एंगल कम हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा होगा क्लियरेंस एंगल घट जाएगा, रैक एंगल बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन होगा इन दोनों एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चौथा ऑप्शन होगा मुझे क्या पता, वो तो वहीं जाके पता चलेगा आपको। मैं थोड़ी बना रहा हूँ पेपर आपका, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अगर आप डरोगे नहीं तो वो आंसर अपने आप आपको समझ में आएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रेती और छेनी के झुकाव का एंगल है, क्लियरेंस एंगल नीचे वाला है जो आपके धातु के साथ घिसड़ के चल रहा है ना, और रैक एंगल ऊपर वाला है। बस समझ में आ गई? कर लोगे, गलती तो नहीं करोगे? चलो ठीक है। तो ये आपके एंगल यहां पर खत्म हुए। अब आखिर में कुछ सावधानियां, पीट पीट के इनका सिर जो है ना ऊपर से ये ऐसे फैल जाता है, फैलेगा तो यही, जब हथौड़ी लगातार लगेगी तो फैलेगा नहीं, तो इसको कहते हैं मशरूम हेड। क्या कहते हैं बेटा उसको? मशरूम देखा है आपने, उसका उसका सिर ऊपर से ऐसे ही होता है ना, तो इसका फैल जाता है, उसमें क्रैक आ जाते हैं। इस तरीके के किसी चिसल को आपको प्रयोग कभी भी अगर करना पड़े तो मत करना, क्योंकि वो टूटने वो खतरनाक हो गया है मामला। जब हथौड़ी लगती है छोटा सा चिप निकल के भागता है, बहुत तेज भागता है, बड़ी चोट लगती है उससे। आंखों पे गॉगल जरूर पहन के रखना, सेफ्टी गॉगल, अगर आप चिसलिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चिप्स टूट टूट के निकलेंगी और काफ़ी फोर्स से निकलती है बेटा वो। अगर इसका मशरूम हेड हो गया तो पहले इसको ग्राइंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ग्राइंड, ताकि जो दरार आ गई है वो खत्म हो सके। ठीक है, कहीं भी ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए हेड पर या बॉडी पर जहां से आपने पकड़ा हुआ है। इसको पकड़ते हुए बहुत स्टेडी, स्टेडी मतलब हिलना नहीं चाहिए आप हाथ, लेकिन इसको बहुत जोर से नहीं पकड़ना होता है। जोर से इसलिए नहीं पकड़ना होता है कि अगर मान लीजिए ये हथौड़ा स्लिप हुआ तो आपका हाथ भी स्लिप हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो वो सारा का सारा अपने अंगूठों पे ले लो वजन। सरफेस पे तेल नहीं होना चाहिए, ग्रीस व्रीस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या, सही वजन का हथौड़ा प्रयोग करें, ऐसा ना हो चिसल इतनी सी है और हथौड़ा आपने घन ले रखा है ना, या हथौड़ा बिल्कुल ही आपने कोई लकड़ी का ले रखा है। तो ये कुछ इसकी सावधानियां हैं, और जंग वंग से बचाओ, बहुत ज़्यादा लंबी चिसल का प्रयोग ना करो, और मशरूम हेड वाली बात को याद रखना। यस सर। कोई सवाल आपका, कुछ छोड़ा गया भाई? मेरे से छोटा छोटा तो पढ़ाया नहीं जाता, हल्का हल्का मेरे से नहीं पढ़ाया जाता। फ़ायदा क्या हो, मैं कोई घास थोड़े काटने के लिए बैठे हैं, तुम्हें तैयार करना है भाई। कोई और सवाल? तो दोस्तों आज के इस टॉपिक को फिर हम ये समझें कि हम समझ गए इस टॉपिक के बारे में, कोई सवाल हमारे पास नहीं है। अगर कोई सवाल आपका हो बाद में भी तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखें, तो मैं उसका उत्तर वहीं दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।